प्रजापर, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट थर्ड के टॉपिक कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक ट्रायोड्स, टेट्रोड्स एंड पेंटोड्स, उनके लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो टुडेज टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ द कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब. देखिए, कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब कुछ सॉलिड स्टेट डिवाइसेज होते हैं जैसे कि ट्रायोड्स, टेट्रोड्स एंड पेंटोड्स, जिनको हम आज भी लो आउटपुट पावर और लो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर एज अ सिग्नल सोर्स के लिए हम यूज में लेते हैं. बट जो इम्पॉर्टेंट माइक्रोवेव ट्यूब्स हैं जो हम प्रेजेंटली यूज में लेते हैं, दोज आर द लीनियर बीम ट्यूब्स, जिनको ओ टाइप ट्यूब भी कहते हैं. और ये जो लीनियर बीम ओ टाइप ट्यूब्स होती है, ये होती है मेनली टू केविटी क्लाइस्ट्रॉन और विच इज फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन. फर्दर, अभी हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक चल रहा था, दैट वॉज द हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब. उसी प्रकार से कपल्ड कैविटी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब होती है. देयर इज अनदर फॉरवर्ड वेव एम्पलीफायर, दैट इज द FWA, एंड द बैकवर्ड एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर, दैट इज द BWA एंड BWO. दीज आर ऑल्सो द टाइप्स ऑफ द ओ टाइप ट्यूब. बट क्योंकि इनके पास में नॉन रेजोनेंट पीरियडिक स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस के लिए. सो ये लीनियर बीम ट्यूब्स की स्टडी स्टार्ट हुई थी हेल ऑसिलेटर्स के द्वारा 1935 में, और फर्दर इट वॉज प्रोसीडेड बाई द वेरियन ब्रदर्स क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर्स इन 1939. फर्दर इस प्रोसेस को आगे एडवांस किया गया था बाय द स्पेस चार्ज वेव प्रोपोगेशन थ्योरी, विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाई द हैन एंड रैमो इन 1939. एंड दिस डिस्कवरी वॉज कंटिन्यूड विद द इन्वेंशन ऑफ द हेलिक्स टाइप ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, विच वॉज अ TWT, एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द आर कॉपनफायर इन 1944. अगर हम 1950s के अर्लीज की बात करते हैं, तो उस केस में लीनियर बीम ट्यूब के द्वारा ये पॉसिबल हो पाया था कि हम हाई पावर लेवल को अचीव कर सके. और इसके लिए फर्स्ट और फाइनली सरपासिंग था मैग्नेट्रॉन्स, विच वॉज द अर्लीस्ट सोर्सेज ऑफ द माइक्रोवेव हाई पावर. सो जब हम लीनियर बीम ट्यूब्स की बात करते हैं, विच आर कैटेगराइज इन द ओ टाइप्स, ये दो टाइप की होती है, एक होती है कैविटी और दूसरी होती है स्लो वेव स्ट्रक्चर. कैविटी में हम बात करते हैं रेजोनेंट की और फॉरवर्ड वेव की, जिसमें हम बात करते हैं क्लाइस्ट्रॉन और रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन की, ट्वाइस्ट्रॉन, हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब और कपल कैविटी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब की. लेकिन जब हम बात करते हैं स्लो वेव स्ट्रक्चर की, तो हम बात करते हैं बैकवर्ड वेव और फॉरवर्ड वेव की. बैकवर्ड वेव में हम बात करते हैं BWA और BWO की. देखिए, जब हम बात कर रहे थे लीनियर बीम ट्यूब की, तो उस केस में हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम के लिए, जो कि उस इलेक्ट्रॉन बीम को ट्यूब की लेंथ के अलॉन्ग ट्रैवल करवाता है. सो दिस ओ ट्यूब, ओ टाइप ट्यूब्स का नाम दिया गया था फ्रांच टीपीओ, विच वर एन प्रोनाउंस्ड एज ट्यूब्स ऑफ प्रोपोगेशन डिसॉन्स, और इट इज वॉज अ वर्ड ओरिजिनल मीनिंग दैट ओरिजिनल टाइप ऑफ ट्यूब. और इस प्रकार के ट्यूब्स में इलेक्ट्रॉन्स डीसी बीम वोल्टेज से एक पोटेंशियल एनर्जी अचीव करते हैं, जहां पे ये बिना किसी माइक्रोवेव इंटरेक्शन रीजन के जहां ये अराइव करते हैं, उससे पहले यह एक पोटेंशियल एनर्जी अचीव करते हैं, और इस पोटेंशियल एनर्जी को उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. और फर्दर, जब इन इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन माइक्रोवेव रीजन से होता है, उस केस में ये इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेलरेटेड होते हैं या डी एक्सेलरेटेड होते हैं बाय द माइक्रोवेव फील्ड, और बाद में यह बंच बनाते हैं एंड दे ड्रिफ्ट डाउन द ट्यूब. इस प्रोसेस के बारे में हम ऑलरेडी क्लाइस्ट्रॉन को जब हमने स्टडी किया था, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से जब एक इलेक्ट्रॉन बीम किसी भी माइक्रोवेव फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता है, तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है. बट व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द फील्ड, देन द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, इन विच सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर डी एक्सेलरेटेड, एंड दे फर्दर मूव टुगेदर टू मेक अ बंच एज दे ड्रिफ्ट डाउन द ट्यूब. और दीज बंच इलेक्ट्रॉन्स इन टर्न इंड्यूस द करंट इन द आउटपुट स्ट्रक्चर. सो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली कलेक्टर प्लेट पर कलेक्ट करते थे. सो ओ टाइप ट्रैवलिंग वेव ट्यूब जो होती है, ये मोस्टली एम्पलीफिकेशन के लिए यूज में ली जाती है. प्रेजेंटली हम क्लाइस्ट्रॉन और TWT एम्पलीफायर को हम यूज में लेते हैं टू डिलीवर अ पीक पावर आउटपुट अप टू द 30 MW विद अ बीम वोल्टेज ऑन द ऑर्डर ऑफ द 100 kV एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 10 GHz, और इनका जो एवरेज पावर आउटपुट है दैट इज अबाउट अप टू द 700 kW. इन ट्यूब्स का जो गेन होता है दैट इज इट इज इन द ऑर्डर ऑफ द 30 to 70 dB, और इनकी एफिशिएंसी होती है 15 to 60%.
और इनकी जो बैंडविड्थ होती है दैट लाइज विद इन द रेंज ऑफ द 1 to 8% क्लाइस्ट्रॉन के लिए, और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब की बैंडविड्थ होती है 10 to 15%। तो अभी तो मैंने बात की थी ओ टाइप ट्यूब की और उनके कुछ फंक्शनल एडवांटेजेस की हमने यहाँ पे बात की थी, बट अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लिमिटेशंस ऑफ द कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स जिन्हें हम ट्रायोड, टेट्रोड और पेंटोड कहते हैं, इनको हम मोस्टली या बट नहीं हम ये कह सकते हैं कि विच दीज आर लेस यूजफुल सिग्नल सोर्सेज एट द फ्रिक्वेंसी अबव द 1 GHz। कि जब हमें कोई सिग्नल सोर्स जनरेट करना हो जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 GHz से ज़्यादा होती है, उस केस में हम इन कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स को हम बहुत कम यूज में लेते हैं, क्योंकि इनकी जो लीड इंडक्टेंस होती है, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट, ट्रांजिट एंगल इफेक्ट और इनकी जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है, ये इनके लिए लिमिटेशंस हैं। सो दी आर दी सम लिमिटेशन फैक्टर्स विच कॉजेस इट टू मेक अ लेस यूजफुल इन सिग्नल सोर्सिंग इन अ सिग्नल प्रोसेसिंग एट अ फ्रिक्वेंसी अबव द 1 GHz। सो अभी हम यहाँ पे मेनली इन कन्वेंशनल ट्यूब के 3 लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहले लिमिटेशन की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज अ लीड इंडक्टेंस एंड इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट। देखिए जब हम बात करते हैं 1 GHz की फ्रिक्वेंसी से अबव फ्रिक्वेंसी की, उस केस में कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब की जो सर्किट रिएक्टेंस होती है दैट इज इम्पेयर्ड बाय द पैरासिटिक सर्किट, क्योंकि इनके जो सर्किट कैपेसिटेंस होती है ट्यूब इलेक्ट्रोड और सर्किट इंडक्टेंस की दैट इज टू लार्ज फॉर द माइक्रोवेव रेजोनेंट सर्किट। आप यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब, जिसमें मैं ट्रायोड सर्किट की बात कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब के लिए उसका सर्किट डायग्राम और उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी को माइक्रोवेव के रेंज की फ्रिक्वेंसी तक इंक्रीज किया जाता है, उस केस में इनपुट इम्पीडेंस का रियल पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये एक सीरियस ओवरलोड देता है इनपुट सर्किट पे, और जिससे ट्यूब की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इस केस में अगर हमें यहाँ पे इस इफेक्ट को बेटर अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रायोड सर्किट को यूज में लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस ट्रायोड सर्किट में दिस इज द ट्रायोड, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रायोड एंड इट्स इक्विवेलेंट सर्किट इज रिप्रेजेंटेड हेयर। सो दिस इज द ट्रायोड which is exhibiting the capacitor, here it is the admittance, this is the resistance, this is the inductance and this is the input voltage and this is the output voltage. हम इसके जब equivalent circuit की बात करते हैं, जब हम यहाँ पे triode के equivalent circuit की बात करते हैं, तो हम यह assumptions consider करते हैं कि जो inter electrode capacitance है और साथ ही इनकी जो cathode inductance है, ये यहाँ पे simple एक parasitic elements है, और इनके लिए जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे capacitors की capacitance define करी है like CRK एंड इट इज अ सी। सो ये जो पैरामीटर्स होते हैं सी आर के और सी जी के, हम यहाँ पे एक assumption consider करते हैं कि that CRP is much much less than CGK and omega LK is much much less than 1/ωCJK. उस केस में अगर हमें यहाँ पे सर्किट के लिए इनपुट वोल्टेज को डिफाइन करना होगा, then it will be written as the sum of the three types of the voltages. As V input will be the, it will be written as the two type of the voltages and V in will E in will be equal to the VG plus VK. It will be equal to the VJ. प्लस जे ओमेगा एल के जी एम इंटू दी वी जी। अगर हमें यहाँ पे सर्किट के लिए इनपुट करंट की बात करनी होगी, देखिए अभी हम यहाँ पे सर्किट के पूरे डेरिवेशन को डिराइव नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे सिलेबस में केवल इतना टॉपिक हमें यहाँ डिस्क्राइब करना है, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट्स वोल्टेज, इट्स करंट, इम्पीडेंस एंड द एडमिटेंस पैरामीटर। सो हम यहाँ पे एक ट्रायोड सर्किट के लिए मेनली हम उसके लिए वोल्टेज, करंट और इम्पीडेंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। हमने यहाँ पे एक ट्रायोड का जो सर्किट लेते हुए उसके इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हमने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज के एक्सप्रेशन को हमने टू टाइप के वोल्टेजेस के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और अगर हमें यहाँ पे इनपुट करंट के लिए फॉर्मूला बताना है, उस केस में आई इनपुट विल बी द जी ओमेगा सी जी के इंटू दी वी के। जब हम इस इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन में जब हम यूज लेते हैं, तो उस केस में हमारे पास में वी इन की वैल्यू आती है, दैट विल बी द आई एन ऑफ द 1 प्लस जी ओमेगा एल के जी एम अपॉन जी ओमेगा सी जी के।
और अगर हमें यहाँ पे इस ट्यूब के लिए इनपुट एडमिटेंस को डिफाइन करना होगा, तो इनपुट एडमिटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई इन से, और वाई इन का फॉर्मूला दिया जाता है आई इन अपॉन वी इन। अब क्योंकि हमारे पास में आई इन की वैल्यू पता है, वी इन की वैल्यू पता है, जब हम यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज को पुट करते हैं उस केस में हमारे पास में फॉर्मूला आएगा इनपुट एडमिटेंस के लिए, एंड दैट विल बी द जे ओमेगा सी जी के अपॉन वन प्लस जे ओमेगा एल के जी एम, एंड इट कुड बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ दिस टर्म। सो अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं दैट ओमेगा एल के जी एम इज मच मच लेस देन वन, तो उस केस में ये इक्वलिटी हमेशा यहाँ पे होल्ड होगी, क्योंकि ये जो हमारा कैथोड लीड है दैट इज यूजुअली शॉर्ट एंड इट इज अ क्वाइट लार्ज इन द डायमीटर, और जो अगर हमें यहाँ पे इसके जो ट्रांसकंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं दैट इज अ जी एम, उस ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू हमेशा या जनरली हम कह सकते हैं इट इज मच लेस देन वन मिली मोह। अब अगर हमें यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए इनपुट इम्पिडेंस की बात करनी होगी, तो हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए इनपुट इम्पिडेंस का फॉर्मूला यहाँ पे हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, वी विल बी राइटिंग इट हियर डायरेक्टली एज जेड इन विल बी द वन अपॉन ऑफ ओमेगा स्क्वायर एल के सी जे के जी एम माइनस ऑफ जे ऑफ वन अपॉन ओमेगा क्यूब एल आई स्क्वायर सी जी के जी एम स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इम्पिडेंस का रियल पार्ट है, इम्पिडेंस इज रिटन इन टर्म्स ऑफ द रियल पार्ट एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट, जब हम इसके रियल पार्ट की बात कर रहे हैं तो इम्पिडेंस का जो रियल पार्ट है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रिक्वेंसी, यानी कि इसके रियल पार्ट को हम फ्रिक्वेंसी पर डिपेंडेंसी हम यहाँ देख पा रहे हैं, बट जो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड ऑर्डर ऑफ द फ्रिक्वेंसी। तो जब हम यहाँ पे 1 गीगाहर्ट्ज से अब फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, उस केस में जो रियल पार्ट है इम्पिडेंस का वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, इट विल बी बिकम सो स्मॉल इनफ टू नियरली शॉर्ट द सिग्नल सोर्स, जिससे हमारा जो सिग्नल सोर्स है वो कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और हमारी उससे आउटपुट पावर रैपिडली डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर हमें यहाँ पे इसी केस के लिए इनपुट एडमिटेंस को डिफाइन करना होगा, या पेंटोड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में उनके इनपुट एडमिटेंस को हम लिखेंगे देन इट्स इनपुट एडमिटेंस विल बी द वाई इनपुट ओमेगा स्क्वायर एल के सी जे के जी एम प्लस ऑफ जे ओमेगा सी जे के प्लस सी जी एस, एंड इट्स इनपुट इम्पिडेंस विल बी गिवेन एज दिस टाइप। सो यहाँ पे अभी हमने बात करी है, हमने यहाँ पे ट्रायोड सर्किट की बात करी है, और पेंटोड के लिए हमने यहाँ पे सिंपल एडमिटेंस और इनपुट इम्पिडेंस के फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया है। हाँ, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमें सर्किट की इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, लाइक इट कुड बी रिड्यूस्ड बाय द रिडक्शन इन लीड लेंथ एंड इलेक्ट्रोड एरिया, बट हम जब इन मिनिमाइजेशन मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी लिमिट हो जाती है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब, जिसमें हमने लीड इंडक्टेंस और इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट्स की हमने बात करी है। इसका मेन आउटकम हम इतना यहाँ पे देख सकते हैं कि हालांकि अगर हमें यहाँ पे इन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के इफेक्ट को कम करना है तो उस केस में हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट क्योंकि जब हम उन ऑप्शंस को वहां पे अप्लाई करते हैं कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब लाइक ट्रायोड पेंटोड में, तो उस केस में हमारी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, वो हम यहाँ पे जब हम माइक्रोवेव जनरेट कर रहे हैं उस केस में हम उस पैरामीटर को यहाँ नहीं चाहते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ द कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब ओवर द अदर टाइप ऑफ द ट्यूब्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब दैट इज द ट्रांजिट एंगल इफेक्ट, और दिस इज अनदर लिमिटेशन इन द एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेंशनल ट्यूब एट द माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज। देखिए, ट्रांजिट एंगल को हम ऑलरेडी जब हमने क्लाइस्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था हमने वहां पे स्टडी किया है, इट इज नथिंग बट डिफाइंड एज द थीटा दैट इज द ओमेगा ऑफ टॉ जी दैट इज इक्वल टू द ओमेगा जे अपॉन टॉ नॉट। हियर यहाँ पे आप जो देख सकते हैं दैट टॉ जी इज द डी अपॉन वी नॉट विच इज द ट्रांजिट टाइम अक्रॉस द गैप। हमने यहाँ पे जब क्लाइस्ट्रॉन की बात की तो इस गैप के अक्रॉस हमने ट्रांजिट टाइम डिस्कस किया था, जहाँ पे जो डी था वो कैथोड और ग्रिड के बीच का सेपरेशन था, स्मॉल वी नॉट वॉज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल वी नॉट इज द डीसी वोल्टेज। जब हम माइक्रोवेव की रेंज की फ्रिक्वेंसी से बिलो की रेंज की बात करते हैं उस केस में ट्रांजिट एंगल के इफेक्ट को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, बट लेकिन जब हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज की बात करते हैं उस केस में ट्रांजिट टाइम और ट्रांजिट एंगल इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द पीरियड ऑफ द माइक्रोवेव सिग्नल, और उस केस में जो पोटेंशियल होता है कैथोड और ग्रिड के बीच में वो उस केस में 10 टू 100 टाइम्स, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट के लिए 10 टू 100 टाइम्स के बीच में वो अल्टरनेट करता है।
और इस प्रकार से जब ग्रिड पोटेंशियल के नेगेटिव हाफ साइकिल की हम बात करते हैं उस केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिमूव कर दिया जाता है जो कि उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसको मिली थी, और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैथोड ग्रिड स्पेस में कंसिक्वेंटली बैक और फोर्थ ऑसिलेशन करता है। और इससे होता क्या है, इसके ओवरऑल रिजल्ट हमें यह मिलते हैं कि ट्रांजिट एंगल इफेक्ट को हम रिड्यूस कर देते हैं एट द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, नहीं टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द वैक्यूम ट्यूब। सो मेनली यहाँ पे जो ट्रांजिट एंगल इफेक्ट होते हैं ये क्या करते हैं, वैक्यूम ट्यूब की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देते हैं। और जब हम बात करते हैं 1 GHz से अबव फ्रिक्वेंसी की तो उस केस में ये डिजनरेट इफेक्ट और भी सीरियस हो जाते हैं। Why we talk about the frequency which is below the 1 GHz, उस केस में जो आउटपुट डिले होता है that is a much negligible in comparison with the phase of the grid velocity. इसका मीनिंग यह है कि उस केस में जो ट्रांसमिट एडमिटेंस होती है वो एक बहुत ही बड़ी रियल क्वांटिटी होती है जो कि यूजली एक ट्रांस कंडक्टेंस GM होती है। हाँ, हम ये बात करते हैं कि माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर जो ट्रांसिट एंगल होता है वो नेग्लिजिबल नहीं होता है, और जो ट्रांस एडमिटेंस होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद अ रिलेटिवली स्मॉल मैग्नीट्यूड, और इस प्रकार से हम वहां पे जो हमारा आउटपुट होता है दैट इज डिक्रीज्ड। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजिट एंगल इफेक्ट होते हैं इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और ये मिनिमाइजेशन प्रोसेस होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम जो कैथोड एनोड कॉन्फ़िगरेशन से इमिट होती है ट्यूब में, जब हम उसके ऊपर कोई डीसी वोल्टेज अप्लाई करें और उसके हम वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व करें। सो ट्रांजिट एंगल इफेक्ट किसी भी ट्यूब में हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय जस्ट द प्रोसेस ऑफ द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस, और हमने इनके बारे में पढ़ा है जब हमने क्लाइस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन की बात की थी, तो उस केस में हमने इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को स्टडी किया है विच इज इंडीड द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ द सच माइक्रोवेव ट्यूब्स लाइक द क्लाइस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन। सो कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब के इस लिमिटेशन को ओवरकम कहां किया हमने, क्लाइस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन्स में। Now I am talking about the third type of the limitation of the conventional vacuum tube, that is the gain bandwidth product limitation. ठीक है, जनरली जब हम बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स की तो उस केस में जो हमें मैक्सिमम गेन मिलता है वो हम अचीव करते हैं एक रेजोनेटिंग आउटपुट सर्किट के द्वारा। आप यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज अ आउटपुट ट्यूब सर्किट ऑफ अ पेंटोड, जिसमें हमने एक रेजोनेटिंग सर्किट हमने यहाँ डिफाइन किया है। इस रेजोनेटिंग सर्किट के लिए अगर हमें यहाँ पे इसका लोड, यहाँ पे अगर हमें इसके लोड रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बताना है तो उस केस में इसका फॉर्मूला दिया जाता है VL से, दैट इज अ जी एम वी जी अपॉन जी प्लस जी ओमेगा सी माइनस अपॉन माइनस वन अपॉन ओमेगा एल। यहाँ पे हम इनका डेरिवेशन नहीं करेंगे बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे इनके लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे इसके लोड वोल्टेज के लिए हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, जहाँ पे हमारे पास में जो कैपिटल जी है दैट इज अ वन अपॉन स्मॉल आर पी प्लस कैपिटल आर, स्मॉल आर पी इज द प्लेट रेजिस्टेंस एंड कैपिटल आर इज द लोड रेजिस्टेंस एंड एल एंड सी आर द ट्यूनिंग एलिमेंट्स। सो जब हम यहाँ पे सर्किट की बात कर रहे हैं और इस सर्किट के लिए अगर हमें यहाँ पे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बतानी है, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने एक रेजोनेटिंग सर्किट की बात कर रहे हैं, उसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी विल बी इट्स रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी विल बी द 1/2 pi अंडर रूट एल सी। सो यहाँ पे उस सर्किट की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी एफ आर दैट विल द 1/2 pi अंडर रूट ऑफ एल सी। तो यहाँ पे हमने जो ये पैरामीटर जो हमने लोड वोल्टेज की बात करी वो हमने सर्किट के लिए बात करी, जहाँ पे ये जो आर पी है दिस इज अ प्लेट रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे इसके अक्रॉस अप्लाई किया है, आर दैट इज अ लोड रेजिस्टेंस, एल एंड सी आर द ट्यूनिंग एलिमेंट्स टू ऑपरेट एट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। अगर हमें यहाँ पे सर्किट के लिए मैक्सिमम वोल्टेज गेन बताना है विच इज ऑप्टेन एट द रेजोनेंट, तो उसका फॉर्मूला दिया जाता है स्मॉल जी एम अपॉन कैपिटल जी से। और अगर हमें यहाँ पे हाफ पावर पॉइंट्स पर हमें बैंडविड्थ मेजर करनी है तो उस केस में उसके लिए हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है हमारा इक्वेशन नंबर 9 का, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे इक्वेशन नंबर 9 है उसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज ओमेगा सी माइनस वन अपॉन ओमेगा एल। अगर हमें यहाँ पे हाफ पावर पॉइंट्स पर इसके बैंडविड्थ को मेजर करना है तो उस केस में हम कह सकते हैं दैट जी विल बी द ओमेगा सी माइनस वन अपॉन ओमेगा एल। उस केस में जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास में दो फ्रिक्वेंसीज के लिए फॉर्मूला आता है, दैट इज द ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। ओमेगा वन इज इक्वल टू द जी अपॉन टू सी माइनस अंडर रूट ऑफ द जी अपॉन टू सी का होली स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल सी, एंड ओमेगा टू इज इक्वल टू द जी अपॉन टू सी प्लस अंडर रूट ऑफ द जी अपॉन टू सी का होली स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल सी। तो हम यहाँ से एक बैंडविड्थ हम डिफाइन कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला होगा ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, दैट इज विल बी डिस्क्राइब बाय द बैंडविड्थ, दैट इज अ बी डब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म ऑफ द बैंडविड्थ।
omega 2 of minus omega 1, that will be the g upon c. Here we are assuming that g upon 2c ka whole square is much much greater than 1 upon lc. फर्दर अगर हम यहाँ पे गेन बैंड विड्थ प्रोडक्ट की बात करते हैं अबव मेंशन सर्किट के लिए, दैट विल बी द ए एम इनटू द बी डब्ल्यू, दैट विल बी द जी एम अपॉन सी. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट आउटकम जो हम इस रिलेशन से यहाँ हम कंक्लूड कर रहे हैं वो ये है कि ये जो गेन और बैंड विड्थ का प्रोडक्ट है ये किसी भी ट्यूब के लिए उसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है. सो हम यहाँ पे इसको कब हम यहाँ पे हायर अचीव कर सकते हैं, जस्ट बाय द एक्सपेंस ऑफ द नैरोवर बैंडविड्थ. बट लेकिन जब हम माइक्रोवेव डिवाइसेस की बात करते हैं उस केस में या तो हम री एंट्रेड कैविटीज या फिर स्लो वेव स्ट्रक्चर को यूज में लेते हैं जिससे कि हम एक ओवरऑल हाई गेन एक ब्रॉड बैंडविड्थ के लिए हम यहाँ पे अचीव कर सके. तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने कन्वेंशनल ट्यूब के तीन लिमिटेशंस के बारे में हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया था. थैंक यू सो मच.